हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू में। मैं हूं आपका फैंटेसी फुटबॉल होस्ट आकाश त्यागी। आज हम बात करेंगे बुंडेसलीगा के मैच बोरुशिया डॉर्टमुंड वर्सेस बोरुशिया मुंचन ग्लैडबैक की। हर बार की तरह इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस रिजल्ट्स, बुंडेसलीगा टेबल स्टैंडिंग्स, कुछ की स्टैट्स, प्रोबेबल लाइनअप्स एंड एंड में बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन की भी। पर फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम आपको बता दें कि आज फुटबॉल की दुनिया में होने वाला ये इकलौता मैच नहीं है। इसके अलावा इंग्लिश चैंपियनशिप, जे लीग, लालीगा, इंग्लिश प्रीमियर लीग जैसे और भी बहुत सारे फुटबॉल मैचेस हैं। तो अगर आप उन सब मैचेस के प्रीव्यूज एंड बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन पाना चाहते हैं तो प्लीज चेक इट आउट व्यू स्पोर्ट ऐप राइट नाउ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ साथ व्यू स्पोर्ट ऑफिशियल फुटबॉल इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना ना भूलें, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे आज के मैच की। सबसे पहले प्रीवियस रिजल्ट्स। अगर बात करें बोरुशिया डॉर्टमुंड की, तो इन्होंने अपना पिछला मैच बुंडेसलीगा में ही खेला था, जो कि इन्होंने 6-0 जीता था वर्सेस VfL वुल्फ्सबर्ग, जिसमें दो गोल स्कोर करे थे करीम अडेयामी ने, एक सेबेस्टियन हॉलर ने, एक गोल स्कोर किया था मेलन ने एंड एक गोल स्कोर किया था जूड बेलिंगम ने। वहीं पर अगर हम बात करें बोरुशिया मुंचन ग्लैडबैक की, तो इन्होंने भी अपना पिछला मैच बुंडेसलीगा में ही खेला था, जो कि इन्होंने 2-0 जीता था वर्सेस VfL बॉचम, जिसमें गोल स्कोरर थे जोनस हॉफमैन एंड लार्स टिंडल। वहीं पर अगर हम बात करें बुंडेसलीगा टेबल स्टैंडिंग्स की, तो बोरुशिया डॉर्टमुंड इस समय है सेकंड पोजीशन पर। इन्होंने खेले हैं 31 मैचेस, जिसमें इनके हैं 64 पॉइंट्स। इन्होंने स्कोर किए हैं 73 गोल्स एंड कंसीड किए हैं 40 गोल्स। वहीं पर अगर हम बात करें बोरुशिया मुंचन ग्लैडबैक की, तो ये हैं 11th पोजीशन पर। इन्होंने खेले हैं 31 मैचेस, जिसमें इनके हैं 39 पॉइंट्स। इन्होंने स्कोर किए हैं 46 गोल्स एंड कंसीड किए हैं 48 गोल्स। जी हाँ फ्रेंड्स, हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि बोरुशिया डॉर्टमुंड एक सुपीरियर साइड है यहाँ पर बोरुशिया मुंचन ग्लैडबैक के अगेंस्ट। उनकी पोजीशन भी उनसे बेटर है, उनके पॉइंट्स भी उनसे बेटर है, उनके गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड भी उनसे बेटर है। सो क्लियरली बोरुशिया डॉर्टमुंड इस मैच के लिए फेवरेट्स हैं। के साथ साथ फ्रेंड, डॉर्टमुंड को फेवरेट बताने के और भी कई रीजन है, जैसे कि बोरुशिया डॉर्टमुंड ने 2023 में 48 लीग गोल स्कोर किए, जो कि एक बेस्ट रिकॉर्ड है यूरोप में, इवन मैनचेस्टर सिटी से भी ज्यादा। जी हां फ्रेंड्स, जिस टीम के लिए अर्लिंग हालैंड, रियाद महरेज, जैक ग्रिलिश, केविन डी ब्रुइने जैसे प्लेयर्स खेल रहे हैं, गोल स्कोर कर रहे हैं, वो मैनचेस्टर सिटी से भी ज्यादा गोल स्कोर किए हैं डॉर्टमुंड ने। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने फ्रीली गोल स्कोर कर रहे हैं। वहीं पर उसके साथ साथ बोरुशिया मुंचन ग्लैडबैक के अगेंस्ट एक स्ट्रीक पर चल रहे हैं डॉर्टमुंड। उन्होंने लास्ट 9 मैचेस कंटिन्यूअसली जीते हैं अगेंस्ट ग्लैडबैक। वहीं पर अगर हम होम की बात करें डॉर्टमुंड, दैट इज सिग्नल इड्यूना पार्क, वहां पर उन्होंने अब तक 10 मैचेस जीते हैं एंड उसमें 41 टाइम स्कोर किया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये होम उनका एक फोर्ट्रेस है, जहां पर वो कितने फ्रीली गोल स्कोर कर रहे हैं। वहीं पर अगर ग्लैडबैक की बात करें, तो उन्होंने अपने पिछले 18 अवे गेम्स में इसी सीजन बुंडेसलीगा में सिर्फ एक मैच जीता है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्लैडबैक कितना स्ट्रगल कर रही है अवे मैचेस में। और आज भी उनका मैच अवे है, वो भी वर्ल्ड फेमस स्टेडियम, दैट इज सिग्नल इड्यूना पार्क ऑफ डॉर्टमुंड, जो कि उनका एक फोर्ट्रेस माना जाता है। सो क्लियरली आप देख सकते हैं कि डॉर्टमुंड इस मैच के लिए फेवरेट्स है। होपफुली आपको इन स्टैट्स और उसके अलावा जो भी हमने चीज़ें बताई हैं, उससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी कि क्यों यहाँ पर बोरुशिया डॉर्टमुंड एक फेवरेट्स हैं ओवर ग्लैडबैक। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और बात करें प्रोबेबल लाइनअप्स की, मैं आपको बता दूं दैट दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय विजन 11, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्रो, अक्षर सही है, बात मान, शमी। सिर्फ अक्षर और शमी क्यों? उमरान, हर्षल और मनीष सबके साथ खेलो। इस पे विजन 11, इसकी झलक सबसे अलग। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. तो अब हम बात करते हैं हमारे probable lineups की। सबसे पहले Borussia Dortmund। Friends, हमारे according Borussia Dortmund एक 4-3-2-1 formation में खेल सकते हैं। इनके गोलकीपर हो सकते हैं कॉबल, जिन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी अगेंस्ट वॉल्फ्सबर्ग। इस स्विस शॉट स्टॉपर ने काफी अच्छे सेव्स करे थे, कुछ क्रूशियल सेव्स करे थे उनके अगेंस्ट, और एक क्लीन शीट भी रखी थी। तो यही रीजन है कि कॉबल यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं। वहीं पर अगर हम बात करें इनके डिफेंस की, तो मैच समल ने काफी अच्छा एक मैच दिखाया था, काफी अच्छा प्ले दिखाया था इस लास्ट वीकेंड अगेंस्ट VfL वुल्फ्सबर्ग। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपनी जगह यहाँ पर रख सकते हैं। उसके साथ साथ निकोलस स्यूले ने भी कुछ गलती नहीं करी थी, तो होपफुली वो भी अपनी जगह यहाँ पर रखेंगे। हालांकि श्लॉटरबेक जो है वो भी वापस आ चुके हैं, वो भी कोशिश करेंगे रिटर्न की, बट हमें ऐसा लगता है कि
इस टीम में टर्जिस जो है वो चेंजेस नहीं करेंगे और हमल और उनके साथ साथ निकोलस सुले जो है वही स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन ये डिपेंड करता है कोच टर्जिस पर, हो सकता है कि वो इसमें चेंजेस कर भी दे बट इसके चांसेस काफी कम है। उसके अलावा टर्जिस के पास एक और सिलेक्शन डिलेमा यहाँ पर हो सकता है, वो है उनकी फुल बैक पोजिशन। फ्रेंच राफेल गुरेरो जिनके सबसे ज्यादा असिस्ट है इस पूरे बुंडेसलीगा में, वो स्टार्टिंग 11 में आने की कोशिश करेंगे बट उनके साथ साथ पिछले मैच में जो है दो और प्लेयर्स ने इम्प्रेस किया था, वो थे जूलियन रेयरसन एंड मैरियस वुल्फ। हालांकि इसके चांसेस कम है, ऑब्वियसली राफेल गुरेरो की जो परफॉर्मेंस रही है, जो उनका रिकॉर्ड रहा है, जो उनका एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से वही स्टार्ट करेंगे क्योंकि इस टाइम पर बोरुशिया डॉर्टमुंड रिस्क नहीं ले सकती है क्योंकि वो उम्मीद करेंगे कि बायर्न कहीं ना कहीं हल्की सी कोई गलती करे ताकि वो टाइटल रेस में वापस आए। हालांकि अगर बायर्न कोई गलती नहीं करती तो टाइटल रेस निकल चुकी है डॉर्टमुंड के हाथ से, बट वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे लास्ट के 3 मैचेस में पुश करने की, तो शायद वो कोई चांसेस नहीं लेंगे, अपने एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ जाना चाहेंगे। सो होपफुली राफेल गुरेरो यहां पर स्टार्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमें उम्मीद है कि मिडफील्ड में और वही एक ट्रायो रहने वाला है, आपको एमरे चान दिख जाएंगे जो कि एक होल्डिंग मिडफील्डर की जगह यहाँ पर होल्डिंग मिडफील्डर के लिए की तरह खेलते हैं, जो कि आपको टैकल्स, इंटरसेप्शन से पॉइंट्स आराम से कंट्रीब्यूट करते हुए मिल जाएंगे। वहीं पर उनके साथ हो सकते हैं जूड बेलिंगम जो कि नंबर 8 खेल सकते हैं, जो कि शायद अपना डॉर्टमुंड का करियर थोड़े से अच्छे नोट पर खत्म करना चाहेंगे अमिड रियल मैड्रिड र्यूमर्स जो कि हम सुन ही रहे हैं कि उनका ऑफिशियली जो है रियल मैड्रिड के साथ एक बातचीत चल रही है जिसमें उनकी टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने फाइनलाइज कर ली है, सिर्फ ट्रांसफर फीस फाइनलाइज करनी रहती है रियल मैड्रिड को डॉर्टमुंड के साथ। सो होपफुली जूड बेलिंगम आपको नेक्स्ट ईयर स्पैनिश लालीगा जायंट्स रियल मैड्रिड के साथ खेलते हुए मिल जाएंगे, बट हालांकि आज के मैच में वो फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपना डॉर्टमुंड का करियर एक बहुत ही अच्छे नोट पर खत्म करने की कोशिश करेंगे आखिरी के बचे हुए मैचेस में। उनके साथ साथ अपने प्लेयर जो है जूलियन ब्रांट वो भी आपको वापस मिलेंगे, जिन्होंने काफ़ी अच्छा एक अपना स्ट्रेंथ रीगेन किया था या अपनी फॉर्म रीगेन की थी अगेंस्ट वुल्फ्सबर्ग, वो भी आपको एक सिमिलर रोल में खेलते हुए मिल जाएंगे अगेंस्ट ग्लैडबैक। काफ़ी अच्छे गोल स्कोरिंग थ्रेट है जूलियन ब्रांट, इसके साथ साथ काफ़ी असिस्ट्स भी देते हैं। वहीं पर उनके साथ साथ आगे अटैक में हो सकते हैं करीम अदेयमी, डॉनियल मेलन एंड फाइनली ये दोनों आपको विंग से अटैक करते हुए मिल जाएंगे। फाइनली इन दोनों ने अपनी फॉर्म को पिक किया है और जो डॉर्टमुंड इनसे उम्मीद कर रही थी या फिर जिस तरीके से हम इनको जानते हैं कि ये दोनों काफ़ी एनर्जेटिक प्लेयर्स हैं, उस हिसाब से इनका जो एंड प्रोडक्ट था वो काफ़ी बेकार था पहले, या फिर आप कह सकते हैं कि ड्रिबल बहुत अच्छा कर रहे थे, चांस बहुत अच्छे क्रिएट कर रहे थे बट एंड में फिनिश नहीं कर पा रहे थे। बट अभी लास्ट कुछ मैचेस से करीम अदेयमी और मेलन ने काफ़ी अच्छी फॉर्म पिक की है, उन्होंने अपनी फिनिशिंग पे काफ़ी काम किया है, तो ये आपको गोल स्कोरिंग थ्रेट भी आजकल बने हुए हैं और हमारे लिए एक डिलेमा भी हो सकता है कि हम किसको यहाँ पर वाइस कैप्टन करें या फिर किसको नहीं करें, क्योंकि डॉर्टमुंड के सारे ही प्लेयर्स गोल स्कोर करने की एबिलिटी रखते हैं, चाहे वो सेबेस्टियन हॉलर हो, चाहे फिर जूड बेलिंगम हो, चाहे ब्रांट हो, चाहे मेलन हो या फिर चाहे अदेयमी हो। सो ये थोड़ा सा हेडेक हमारे लिए हो सकता है कि आज कौन सा प्लेयर यहाँ पर गोल स्कोर कर सकता है कौन सा नहीं, बट हालांकि जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर डॉर्टमुंड जो है एक सिंटिलेटिंग गोल स्कोरिंग फॉर्म में है और उनके ऊपर चेरी ऑन द केक है सेबेस्टियन हॉलर। सो आज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है अगेंस्ट ग्लैडबैक और हमें देखना होगा कि इस मैच में कितने गोल स्कोर करेगी डॉर्टमुंड जो कि इस टाइम यूरोप में सबसे ज्यादा गोल स्कोर कर चुके हैं। वहीं पर अगर हम बात करें बोरुशिया मंचेनग्लैडबैक की तो ये एक 4-3-2-1 फॉर्मेशन में खेल सकते हैं, हालांकि इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर प्ली जो है वो सस्पेंडेड होंगे क्योंकि उन्होंने अपना 5th येलो कार्ड लिया था, तो वो इस मैच में आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे। उसके अलावा निको एलवेडी एंड मनु कोने जो हैं वो थोड़े से इंजरी डाउट्स हैं, बट ये देखना होगा कि इनमें से कोई स्टार्ट कर सकता है कि नहीं। हालांकि इनके मैनेजर डैनियल फाके जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे दोनों को कि वो टाइमली रिकवर कर जाएं, बट ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। वहीं पर उनके साथ उनके एक और स्टार प्लेयर जो थुर्रम है वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने मसल इशू की वजह से और शायद वो डॉर्टमुंड की इस ट्रिप का पार्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पर काफ़ी सारे इंजरी कंसर्न्स भी हैं ग्लैडबैक के लिए जिसको उनको एड्रेस करना पड़ेगा और इसी की वजह से उनके चांसेस और थोड़े से लो हो जाते हैं अगेंस्ट डॉर्टमुंड जो टीम बहुत फ्रीली यूरोप में गोल स्कोर कर रही है। वहीं पर अगर इनके डिफेंस की बात करें तो वहाँ पर हो सकते हैं मार्विन फ्रेडरिक जो कि अगर एलवीडी खेलते हैं तो उनके साथ यहाँ पर एक 4-man बैकलाइन में स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पर स्टीफन लाइनर हो सकते हैं, उनके साथ साथ
रेमी बेंसाइबिनी हो सकते हैं। इन्होंने पिछले मैच में असिस्ट भी दिया था, काफी फैंटास्टिक फुल बैक है ये ग्लैडबैक के लिए, और फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनको अपनी टीम में रख सकते हैं। इनकी असिस्ट की पोटेंशियल काफी ज्यादा है, ये चांस क्रिएशन बहुत अच्छा करते हैं, ये इवन कई बार शॉट्स ऑन द टारगेट भी लेते हैं। सो शायद हम इनको अपनी डिफेंस में लेना चाहेंगे क्योंकि ये हमें अपने पॉइंट से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वहीं पर मिडफील्ड में हो सकते हैं जूलियन वाइगल, जो कि कोशिश करेंगे ये दिखाने की कि जो उनकी प्रीवियस टीम है बोरुशिया डॉर्टमुंड, उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी थी इनको रिलीज करके या फिर इनको अपनी टीम से हटा के या अपने पोजिशन, क्योंकि उनको ज़्यादा चांसेस नहीं मिले थे उस टाइम पर। तो एक तरीके से ग्लैडबैक का इंजन रूम जो होगा वो वाइगल होंगे, और वो कोशिश करेंगे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने की। उनके साथ आगे होंगे चांस क्रिएशन मशीन जोनस हॉफमैन, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से चांस क्रिएट करते हैं, काफ़ी सारे असिस्ट दे चुके हैं, गोल स्कोर करते हैं, एक बहुत ही की रोल यहाँ पे वो प्ले करने की कोशिश करेंगे, और गोल स्कोरिंग का काफ़ी जिम्मा जो है वो उठाएंगे लास्ट टिंडल, जो कि प्ली और थुर्रम की एब्सेंस में जो है गोल स्कोरिंग का जिम्मा इन्हीं के ऊपर है। एक वेटरन अटैकिंग मिडफील्डर है लास्ट टिंडल, जो कि गोल्स असिस्ट हर तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, और उनके साथ साथ वहां पर हो सकते हैं मिडफील्ड में फ्लोरियन न्यूहॉस, जो कि एक बहुत ही फैंटास्टिक नंबर 10 मिडफील्डर हैं, जो कि चांस क्रिएशन या फिर एक स्पेस देते हैं स्ट्राइकर्स को, उनके लिए चांस क्रिएट करते हैं और एक काइंड ऑफ अ प्ले मेकर का रोल यहां पर अदा करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे अकॉर्डिंग बोरुशिया डॉर्टमुंड इस मैच को 3-0 या फिर 3-1 बड़े आराम से जीत सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन की तरफ। जैसे कि हमने आपको बताया फ्रेंड्स कि बोरुशिया डॉर्टमुंड यहां पर फेवरेट्स है इस मैच के लिए, तो हमारा कॉम्बिनेशन भी कुछ उसी तरीके से होगा। हमारे गोलकीपर होंगे ओमलिन, फोर मैन डिफेंस में होंगे हमल्स, गरेरो, बेनिसबाइनी एंड रेयरसन। मिडफील्ड में हमने लिया है स्टिंडल, हॉफमैन, अडेमेनी, बेलिंगम। हमने थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क लिया है, हमने जूलियन ब्रांट को यहाँ पर नहीं लिया है, उम्मीद करी है कि अडेमी जो है गोल और असिस्ट से कंट्रीब्यूट करेंगे, जो कि ज़्यादा पॉइंट्स देंगे देन जूलियन ब्रांट। आप चाहे तो पीछे से एक डिफेंडर रेयरसन को या फिर हमल्स में से किसी एक डिफेंडर को कम करके आप आगे जूलियन ब्रांट को ले सकते हैं। अटैक में हमने लिया है मेलन और हॉलर को, कैप्टन हमने किया है बेलिंगम को, वाइस कैप्टन हमने किया है मेलन को। आप इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, आप चाहे तो वाइस कैप्टन काफ़ी अच्छे जो ऑप्शन है वो गरेरो भी हो सकते हैं, इवन आप उनको कैप्टन भी कर सकते हैं, और वाइस कैप्टन आप कर सकते हैं हॉलर को भी। सो डिपेंड करता है कि जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया, आज बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनके गोल स्कोर करने के चांसेस हैं, डिपेंड करता है आप किस प्लेयर को बैक कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा प्रीव्यू बुंडेसलीगा के मैच बोरुशिया डॉर्टमुंड वर्सेस बोरुशिया मुंचन ग्लैडबैक का। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू व्यू स्पोर्ट चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।